परम आराध्य देव श्री सीताराम जी के अस्तित्व चरण अपने इष्ट भगवान बुद्ध भावन को कोटि शास्त्र प्रणाम निवेदित करते हुए अन्य अन्य देवी देवता विशेषकर शक्ति पीठाधीश्वरी माँ चंडिका जिनकी कृपा छाया में विगत 20 वर्षों से ये सम्मेलन हो रहा है। कहने तो बहुत ठीक है, छेड़छाड़ मत करना, उनके चरणों को बार बार नमन करते हुए अनंतराज जी महाराज को सभी वक्ताओं के इष्ट होते हैं, उनको अपने हृदय में धारण करते हुए आइए सीधे अपने प्रसंग की ओर चलते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार एक दो पंक्ति में ही सही और विशेषकर उस चौपाई का गान मेरे साथ करें जो बाल मृत्यु के बाद सुग्रीव ने स्वयं प्रभु श्री राम से कहा। औपचारिकताएं बहुत हैं, उसमें बहुत समय लग जाता है, माफ करेंगे हमें, मन संचालक का नाम हम एक दिन भी नहीं बोल सके। तो मेरा शिष्य है, हम ऐसे भी उसको आशीर्वाद देते हैं। और जिन लोगों के बारे में नहीं बोल सकते, जैसे हमारे मैस का इंचार्ज संजय और सुगन है, उन लोगों के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त अपनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और आइए सीधे आते हैं उस मंगलाचरण पर जो दो मिनट आप मेरे साथ गाइए। अरे आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुर शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, आप लोग भी गाए राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। अरे मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन प्रभु दशरथ जीव बिहारी, प्रभु दशरथ जीव बिहारी। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह शाम बोलो राम राम। किस प्रकार राष्ट्रद्रोह का अभियोग लगाकर और ये अभियोग लगाते हुए बाली तुम्हें बहुत देहाभिमान था, इसलिए मैंने तुझे मार दिया। किसी ने कहा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो फिर छिप कर क्यों मारा? आपको बताऊं, तुलसी बाबा ने जो मर्यादा का स्मरण किया रामचरितमानस में, वो किसी ने नहीं किया। इसीलिए किसी कवि ने कहा, अरे सूर घनेरे भय जग में,
परसूल पदों से वो स्वाद कहाँ, मतवाली मजीरा लिए फिरती पर मीरा सी वह बोल कहाँ। कही राम नरसिंह बसे प्रति खम्भन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। कही राम कथा तो अनेकन ने पर तुलसी सी मर्याद कहाँ, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। मर्यादा का 110% पालन रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने किया और भगवान राम ने छिपकर मारा सुग्रीव को। क्या श्रीराम इतने कमजोर थे आमने सामने मारते तो बाली उनसे पार पास आता क्या। मेरे गुरुदेव ने कहा कि राम के अमोघ वाद का सामना करने का हिम्मत बाली को नहीं था, लेकिन बाली को चूंकि साधु किसी संत का आशीर्वाद कवच प्राप्त था कि तुम्हारे आमने सामने से जो युद्ध करेगा उसका आधा बल तुझे प्राप्त हो जाएगा, तो साधु की मर्यादा को रखने के लिए प्रभु श्री राम ने छिप कर मारा। तो जो दूसरे की मर्यादा का इतना बड़ा ख्याल रखता हो वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होगा तो कौन होगा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होगा तो कौन होगा। सुग्रीव को राज्य मिल गया, पत्नी रूमा जिसका हरण कर लिया था वो मिल गया और उस भोग विलास में वो इतना व्यस्त हो गया कि प्रभु श्री राम के काम को ही भूल गया। तो 4 महीने के बाद वर्षा ऋतु जब समाप्त हुई तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो तो सुग्रीव मेरी सुधी को उसने विषाद दी, जानकी की खोज के लिए उसने कोई प्रयत्न नहीं किया और प्रभु श्री राम बोल गए। जे ही सरहता प्याधैववाली वही सर मारू मूल में काली, वही सर मारू मूल में काली। जिस बाण से हमने बाली को मारा है लक्ष्मण, उसी बाण से उस मूर्ख सुग्रीव को कल मार दूंगा। प्रभु श्री राम की घोषणा है। लक्ष्मण जी तो एक कदम आगे ही चलते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कल क्यों, कल क्यों, आज ही उसे मार देता हूं। और लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर जब बिल्कुल तैयार हो गए तो प्रभु तो करुणा निधान है, अने वो आदर्श मित्र भी हैं, चूंकि सखा बना लिया है सुग्रीव को। इसलिए भगवान ने देखा कि लक्ष्मण तो क्रोधावतार को शीशावतार है, ये तो जाकर जाएगा और डायरेक्ट हिट करेगा, मार देगा मेरे सखा सुग्रीव को। तो भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मण, उसे जरा धमका करके ले आओ, उसका प्राण नहीं लेना। लक्ष्मण जी जब गए हैं क्रोध तो उनको है ही, उनको देखकर सारा वानर समाज सुग्रीव के राज्य का जितना भी मंत्री वगैरह था सब थर 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 कांपने लगा। सुग्रीव को खबर आई कि राजकुमार लक्ष्मण बड़े क्रोधावस्था में आ रहे हैं, तुरंत वो पहुंच गए तारा के पास जो बाली की पत्नी थी और तारा से कहा कि तारे तुम अंगद को लेकर कुमार के पास जाओ, लक्ष्मण के पास, नहीं तो आज वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर तारा और अंगद जी उसके साथ साथ हनुमान जी हैं, अरे नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, हनुमान जी और सुग्रीव में भाई का संबंध है, दोनों गुरु भाई हैं। सुग्रीव सूर्य पुत्र है और हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान हैं, इस नाते दोनों भाई हैं। और गुरु दक्षिणा जब देने की बात कही हनुमान जी ने तो सूर्य भगवान ने कहा मेरा एक पुत्र अभी निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है ऋषि पर्वत पर, हनुमान जाओ उसके संरक्षक के रूप में तुम रहो। तो हनुमान जी सुग्रीव की संरक्षा के सुरक्षा में है।
इसलिए हनुमान जी भी साथ गए और जाकर के कहा कि हमने पहले ही सुग्रीव से कह दिया है कि आप राज भगवान के काम को भुला गए, आप दंड के भागी हो जाएंगे। तो सुग्रीव ने चारों दिशाओं में बंदर भेजना प्रारंभ कर दिया है कुमार। फिर भी लक्ष्मण जी ने कहा कि इसे शीघ्र लेकर मेरे प्रभु के सामने आओ। तो भगवान के सामने आए और फिर भगवान ने कहा कि चलो, देर हुआ हुआ लेकिन अब चारों दिशाओं में बंदर को भेजो। तो वो जो मैंने कहा कि जैसर हता मूल, जैसर हता व्याध इव वाली, भगवान ने कहा जिस तरह से व्याधा के रूप में मैंने वाणी का वध किया, उसी बाण से कल उस मूर्ख वाणी को मार दूंगा। इसकी बड़ी विशद व्याख्या है। मूढ़ मतलब हम मूर्ख नहीं हुआ, मूढ़ का मतलब हुआ जो अपने कर्तव्य से च्युत हो चुका है, जिसकी जिसे अपना कर्तव्य बोध नहीं है, जो मित्रता के बंधन से अपने को दूर कर रहा है, जो मित्र भाव के तहत जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा माया में जकड़ा हुआ जो सुग्रीव की बुद्धि है उसका मैं हरण कर दूंगा, उसका उसको मैं मार दूंगा। ये विशिष्ट भाव है। भगवान राम कभी नहीं चाहेंगे कि जिनको अग्नि साक्षी रख करके मित्र बनाया उन्हें मार दें। तो फिर सुग्रीव जी ने कहा कि चारों दिशाओं में बंदर भेजता हूँ, वो सीता मैया की खोज करेंगे। तीन दिशाओं में तो सभी बंदर लोग चले गए, दक्षिण दिशा की ओर जब जाने की बारी आई तो अंगद जामवंत नल नील अने ये सब जो मुख्य मुख्य बंदर बांदर थे वो उनको दक्षिण दिशा की ओर भेजा और सबसे पीछे हनुमान जी को बुलाया और एक अंगूठी दी। सबसे पीछे बुला कर दिया क्यों, सबके सामने देते तो सबों को लगता हनुमान जी को ज्यादा भगवान मानते हैं और हमको नहीं मानते हैं। मानते तो वो हैं ही हनुमान जी को सबसे ज्यादा, क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा, अरे बड़ भागी अंगद हनुमान, भागी अंगद हनुमान, राम चरण चाहान, राम चरण चाहान। हनुमान तो बड़ भागी है ही, अंगद भी बड़ भागी है, और हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, इसमें तो बात नहीं है। हनुमान जी को अंगूठी दी और फिर चले खोज में, यानी खोजते खोजते बहुत दूर निकल गए। प्यास से सभी बंदरों के प्राण निकलने वाले हैं। हनुमान जी ने वृक्ष पर चढ़कर देखा, एक गुफा में कुछ पक्षी जा रहे थे, कुछ पंछी निकल रहे थे। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है, समझ गए यहाँ जरूर कोई जल होगा, जल का स्रोत होगा, तभी ये पक्षी घुस रहे हैं। और जब उस गुहा में सभी सबों ने प्रवेश किया, घुसे तो वहाँ एक बड़ा सुंदर तालाब था, उसके सुंदर उसके उसके बगल वहाँ पर एक छोटा सा सुंदर मंदिर भी बना हुआ था। वहाँ स्वयं प्रभा नाम की एक सिद्ध उसको आप योगिनी भी कह सकते हैं, उसको आप साधुनी भी कह सकते हैं, वो बैठी हुई थी। उसने जब जाना कि ये रामागढ़ के लोग हैं तो कहा कि मीठे मीठे जल पियो और इसमें बाग बगीचे में जो सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं उसे भी खाओ। उसे जब खा कर संतुष्ट हुए बंदर लोग तो चंद्र प्रभा ने कहा, अपनी आंखें मूंद लो, जब आंख खोलोगे तो तुम समुद्र के किनारे अपने को पाओगे। बंदरों ने आंख बंद किया और जब उनकी आंख खुली तो वो कहां थे, समुद्र के किनारे। वो समुद्र के किनारे थे। तबला नवाज जो आप देख रहे हैं वो केवल तबला बजाने वाले नहीं हैं, वो जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहां रामायण का बहुत प्रचार है।
रामायण का अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं। जब मैं करूँ प्रवचन करके उतरा तो इन्होंने कहा, महाराज जी मैं आपका प्रवचन बड़ी ध्यान से सुनता हूँ और राम किंकर उपाध्याय मानस जगत के बड़े ही मूर्धन्य विद्वान हुए, उन्होंने उस पंक्ति की कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही ताप रहत मैं खोजत तेही, उसकी विशद व्याख्या की है। अपनी छोटी सी उनकी पुस्तक है, ग्रंथालय में मिलता है, वो मेरे पास था लेकिन किसी ने लिया तो फिर मुझे लौटा के नहीं दिया। तो उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि तीन भगवान कहते हैं कि मैं तीन व्यक्तियों की खोज में यहाँ हूँ, हरि माने बंदर। तो यहाँ पर वो हनुमान भी हो सकते हैं, सुग्रीव भी हो सकते हैं, है ना। और यहाँ हरि निश्चर राक्षसों की खोज में तो भगवान है ही, मैंने कबंध का वध किया और ढेर सारे राक्षसों का उन्होंने वध किया। तो यहाँ हरि निश्चर और वैदेही, अंत में अपनी पत्नी का नाम लिया। कहने का भाव क्या हुआ, जो समष्टि के लिए कार्य करता है वही तो भगवान है। व्यक्तिगत को अपने काम को पीछे ढकेल दिया उन्होंने, जानकी की खोज को पीछे रखा, आगे रखा कि मैं हनुमान की खोज में आया हूं, मैं राक्षसों की को खोज खोज कर मार रहा हूं, उसकी खोज में आया हूं। और फिर अंत में कहा, वैदेही अपनी प्रिया जानकी की खोज में भी मैं आया हूं। ये बैक गियर मैंने लगा दिया इनके इनकी भावना को शांत करने के लिए, इनकी पिपासा को शांत करने के लिए। तो समुद्र के किनारे जब अपने को पाया तो उस समुद्र के किनारे ही एक पहाड़ी गुफा में संपाति नाम का गीध रहता था, उसके पंख जल चुके थे, इसलिए सूर्य के पास जब बहुत नजदीक पहुंच गया जटायु और गीध, जटायु तो तेज सह नहीं सका, प्रकाश जटायु जी तो लौट गए थे, लेकिन संपाति को बड़ा अभिमान था, वो सूर्य के बहुत नजदीक चले गए तो उसके पंख जल गए और जब धड़ाम से गिरा तो फिर छटपट कर रहा था। तो वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि आए और उस मुनि ने कहा, देखो संपाति, तुम्हारे जो ये पंख जल गए हैं ये तब उग जाएंगे जब तुम सीता का हरण होगा, राक्षस राज रावण उसको ले जाएगा, तुम बंदरों को ये पता बता देना, जब वो सीता की खोज में जाएंगे तो तुम्हारे पंख फिर उग जाएंगे। ये क्षेत्र कथा में इस रामायण में है, मैं विशेष डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, उसे वहाँ पर बहुत डिटेल है। संपाति ने कहा कि बहुत दिनों से भूखा हूँ, एक ही बार विधाता ने मुझे बहुत से भोजन दे दिए हैं, उन बंदरों को देख कर कहा। तो बंदरों ने कहा कि अब तो सीता की खोज तो करते रह गए, सीता मैया तो मिली नहीं, मुफ्त में आज सभी मारे जाएंगे। अंगद बड़ा बुद्धिमान था, अंगद ने कहा, धन्य है जटायु जी महाराज जिन्होंने सीता मैया की रक्षा के लिए अपना प्राण बलिदान कर दिया। संपाति ने जब ये बात सुनी तो कहा, बताओ जटायु, जटायु तो मेरा छोटा भाई है, क्या हुआ उसका। कहा वो सारी कहानी सुनाई, जटायु जी रावण से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो संपाति ने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। और फिर संपाति ने तिलांजलि देने के बाद कहा, देखो सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई है, लेकिन मेरी दृष्टि तो अपार है, तुम नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जो 100 योजन समुद्र को पार करके जा सकेगा वही तो सीता का पता लगाएगा। अब सभी बंदरों में चर्चा होने लगी, नलिन ने कहा मैं 50 योजन जा सकता हूँ, जामवंत ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं तो भी 90 योजन जा सकता हूं। ये बंदर बड़े चालाक हैं, लेकिन युवराज अंगद ने कहा, अरे अंगद कह ही जा मैं पारा, अंगद कह ही जा मैं
कछु विरती बारा जिए संस कछु विरती बारा। जब मेरा प्रवचन सोनामुखी बाजार में बीरपुर में है वो उसी के उस पार में हो रहा था तो वहाँ एक एक्स मुखिया जी थे। उन्होंने कहा महाराज जी क्या संशय था अंगद जी के मन में। तो मैंने कहा कि अंगद और रावण का बेटा अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और ये बलवान बाप का बेटा हमेशा अक्षय कुमार को देशों देशों में मारा करता था। एक दिन जब बार बार शिकायत किया गुरुजी से अक्षय कुमार ने तो गुरुजी ने कह दिया देखो अब अगर अंगद तुम्हें एक भी बार मारे तो तुम उसे एक घूंसा मार देना अंगद मर जाएगा, अंगद का प्राणांत हो जाएगा। तो अंगद इस बात को जानता है कि वहां अक्षय कुमार है, मैं जाऊंगा और कहीं अक्षय कुमार ने मुझे एक घूंसा मार दिया तो मैं तो मर जाऊंगा। इसलिए कहता है अंगद कही एकदम संक्षेप कर रहा हूं, बड़ी लंबी कथा है। फिर अंगद जी को रोक दिया जामदंत जी ने और हनुमान जी की ओर देखा और कहा कहई दीक्षपति सुनो हनुमाना साधर पवन तनय बल पवन समाना और अंतिम चाबी घुमाई उसी में रही। अंतिम चाबी घुमाई जामवंत जी ने राम काज लगी तब अवतार राम काज लगी तब अवतार अंतिम भयो पर्वता। अरे तुम्हारा तो अवतार ही राम काज के लिए हुआ है हनुमान। ये जैसे ही कहा हनुमान जी को अपने बल का ज्ञान हो गया और तुरंत पर्वताकार हो गए और जामवंत जी से कहने लगे कि सहित सहाय लाग नहीं मारी आनो यहाँ त्रिकूट उपारी जामवंत मैं पूछू तो ही उचित सिखावन दी जाऊंगो ही। अच्छा हनुमान जी अगर रावण को मार ही देते तो रामावतार होने का कोई उद्देश्य था? ये क्या है, ये मानस की सीख है। जब लोग क्रोध में आता है तो अपने विवेक को खो देता है। मैं नहीं कहता कि हनुमान जी ने अपना विवेक खो दिया लेकिन कुछ न कुछ वो अनुचित बोल गए, उन्हें तुरंत ज्ञान हो गया। यही संत की पहचान है। जब संत कोई गलत बात बोल जाते हैं धोखा भी खुद धोखा तो वो तुरंत उसको वापस लेते हैं और जो असंत है वो अकड़ता है, वो गलत भी बोला है तो भी अकड़ता है कि नहीं हम मैंने ही सही कहा है। हनुमान जी ने तुरंत कहा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित, अगर अनुचित नहीं बोले तो उचित शब्द का कोई औचित्य नहीं है, है ना। तब जामवंत जी ने कहा तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम जाओ सीता मैया का पता लगाओ और आकर प्रभु को कहो। तो हनुमान जी चले हैं और सीधे हनुमान जी को हम अशोक वाटिका पहुंचा देते हैं। इस बीच में बहुत लंबी कथा है। अशोक वाटिका में जाने के पहले डिवीजन ऐसे संत से मिले, डिवीजन जी को कहा कह हनुमंत सो बाबा देखन सकल सुनाई चल उपवन सुख सिधर। जुगति विभीषण सकल सुनाई, किस प्रकार अशोक वाटिका में प्रवेश कीजिएगा हनुमान जी, ये युक्ति बताई किसने? विभीषण ने। आपके रामायण में ये बात नहीं होती है, ये सत्संग का
प्रभाव है ये मैं जानता हूं। विभीषण से विभीषण जी ने कहा हनुमान जी से कि आप अगर अशोक वाटिका के मुख्य द्वार से प्रवेश करोगे हनुमान, तो वहां एक विशाल वट वृक्ष है उसके बगल में, उससे आवाज होने लगेगी। रावण का विज्ञान कितना दूर तक था, कितना विस्तृत था, ये देखिए कि कोई उस मुख्य द्वार से प्रवेश करेगा तो वो वृक्ष चिल्लाने लगता था। वो जो वट वृक्ष था, मेरे सामने भी वट वृक्ष है, आज महिलाओं ने इसका पूजन भी किया है। क्यों? इसलिए कि वट विश्वास विश्वास का प्रतीक है। विश्वास के देवता कौन है? भगवान देवाधिदेव महादेव। अतः सुहागिन महिलाएं इस प्रकृति पूजन के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करती हैं कि हमारा पति दीर्घायु है, यही तो वट सावित्री है। तो वो वट वृक्ष आवाज नहीं करे, रावण सचेत नहीं हो जाए, इसलिए तरीका बताया विभीषण जी ने कि हे हनुमान, तुम उस वट वृक्ष से चढ़ करके अशोक वाटिका में प्रवेश हो जाना। और जब अशोक वाटिका में, क्या बोलूंगा, तो 9:15 बजने पर है, मात्र 5 मिनट है, 5 मिनट में मेरी गाड़ी कहां तक जाएगी भगवान जाने। लेकिन हनुमान जी जब पहुंचे हैं, छोटा सा रूप बनाया और तरु पल्लव महरा लुकाई, करी विचार करो का भाई। और वहां रावण भी आया है, रावण ने आकर माँ जानकी को धमकाया है। और हनुमान जी ने सोचा कि अब माँ जानकी जीवित रहना नहीं चाहती, कभी अशोक के वृक्ष से आग मांग रही है, कभी प्रजता से कह रही है चिता बनाओ माते, हम उसमें जल जाएंगे, अब ये विरह की मुझसे सही नहीं जाएगी। और रावण जो इस तरह की बात बोलता है उसको भी मैं नहीं सह सकती। तो त्रिजटा कहती है देखो ये लंका है, यहाँ रात में अग्नि नहीं मिलता है। और यह कहकर वो घर को चली गई। सीता जी सोच रही है अब क्या करें, इसी समय अंगूठी गिराई हनुमान जी ने। और ये अंगूठी कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, इसे माता अरुंधति यानी गुरु वशिष्ठ की पत्नी ने दिया था मुझे दिखाई में जानकी जी को, और वो तपोबल से बनाई गई अंगूठी थी, इसलिए उस पर कोई माया नहीं चल सकती। दुनिया का कोई भी कारीगर वैसी अंगूठी नहीं बना सकता था। तो जैसे ही अंगूठी गिराई, माँ जानकी ने सोचा कि अशोक वृक्ष ने ये अग्नि प्रदान कर दिया है। हर्ष भी हुआ मां जानकी को उस अंगूठी को देखकर, उसमें राम नाम अंकित था कि ये तो मेरे प्रभु के हाथ की अंगूठी है। फिर विषाद भी हुआ, क्या मेरे प्रभु को मारकर किसी ने यह अंगूठी ले आई, या ये रावण की माया है? तो कहती है इस पर माया, किसी की माया नहीं चल सकती, और माया से ऐसी रची नहीं जाएगी, माया से भी ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। और हमारे पति तो अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है? इसी समय हनुमान जी ने सुनो जी राम कहानी, कहत सुनत आवे अखिया में पानी, सुनो जी राम कहानी, पूरी कथा सुना दी। तो माँ जानकी ने कहा श्रवणामृत जही कथा सुहाई,
कहीं तो प्रगट हो किन भाई तब हम मन पर चली गया कहा जानकी ने इतनी अच्छी जो कथा सुना रहे हो तो मेरे सामने क्यों नहीं आते हो। तो हनुमान जी वृक्ष से नीचे उतर आए। जैसे ही वृक्ष से नीचे उतरे माँ जानकी ने देखा नहीं तो बंदर है। हनुमान जी ने कहा माता ये कथा भले ही सुंदर थी लेकिन सुनाने वाला ये बंदर ये था, मैं ही सुना रहा था। और फिर यह मुद्रिका बात में आनी दिन राम तुम कह सहित आनी ये सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान एक गुप्त नाम था भगवान का जो केवल माँ जानकी ही बोलती थी। ये नाम जब कहा तो समझ गई माँ जानकी कि ये किसी न किसी रूप में मेरे प्रभु का ही आदमी है। और तब हनुमान जी ने कहा कि माँ तुम मोहि लगे अतिशय भूखा माँ तुम मोहि अतिशय भूखा एक याद सुंदर पुष्पांजलि की ओर ले चलता हूँ। कहा कि हे माँ अगर तुम्हें सुख हो खुशी हो तो हम थोड़ा सा फल खा ले। अब कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बेटे को के भूख को मिटाने नहीं चाहेगी और वो तो जगत में आता है। तो देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहि जान की जाहु रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊं। हनुमान जी बाग में पुष्ट हुए कुछ फलों को खाया कुछ वृक्षों को तोड़ा। इन्हें सेना आई रखवालों ने जब रोकना चाहा तो उसको लगे घोसा से मार दिया। कुछ ने जाकर कहा कि एक बंदर आया है जिसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। तब अक्षय कुमार को भेजा और अक्षय कुमार को जैसे ही हनुमान जी ने देखा तो अक्षय कुमार को उनके लक्ष्य थे क्योंकि अक्षय कुमार रहेगा अगर तक रहेगा तब तक अंगद जी खुलकर नहीं लड़ सकेंगे। इसलिए अक्षय कुमार को एक ही वृक्ष ऐसा उसके ऊपर पटका कि उसका तो जय जय सियाराम हो गया। फिर मेघनाथ को भेजा और मेघनाथ नाग पाश में बांध कर हनुमान जी को ले जाता है। कथा बहुत लंबी है बहुत विस्तृत व्याख्या है लेकिन मैं केवल और केवल यही कहकर वाणी को विराम देता हूँ कि हनुमान जी प्रभु लंका के रावण के दरबार में गए। वहाँ भी तनिक भयभीत नहीं हुए और उन्होंने साफ कहा कि मोहे न कछु बांधे करी राजा किन्न चाहूँ निज प्रभु कर काजा। और फिर कपिके ममता पूछ पर सब ही कहा समझाए तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देव लगाई। उनके पूछ में आग लगा दी गई और हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। एक विभीषण कर गृह नाही इसकी भी विशद व्याख्या मैं करता हूँ लेकिन अब नहीं करूँगा। ये कहते हुए कि लंका जलाकर माँ जानकी के पास गए। माँ जानकी ने चूड़ामणि उतार कर दी और प्रभु श्री राम के पास आकर उस चूड़ामणि को दिया है हनुमान जी ने। फिर भगवान राम बाणी सेना लेकर चले और जा करके फिर लंका में भयानक युद्ध हुआ है। उस युद्ध का वर्णन आधे घंटे में कल मैं आपको सुनाऊंगा और तत्पश्चात हमारी बिटिया संगीता